दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आयुर्वेदिक क्लासरूम के अगले लेसन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में वर्णित युवागुओं के बारे में। युवागुओं में हमें इसको कैसे याद करना है, कैसे इसके कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करने हैं, हम इस लेसन में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला है इसमें आपको याद कर लेना है कि मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठा तिष्ठि उपरी युक्ति के द्रव्य ज्ञान वताम सदा। यानी कि जो युक्ति है वो मात्रा और काल के आश्रय है। जो वैद्य है वो अगर युक्ति से औषध देता है तो वो हरेक रोग को सही कर सकता है। और इसलिए जो द्रव्यों के गुणधर्म आदि को जानने वाले चिकित्सक होते हैं उन्हें युक्तिज्ञ चिकित्सक कहा जाता है और वह सदा श्रेष्ठ चिकित्सक होते हैं। आपको ये याद कर लेना है। और इसके बाद हम युवागुओं के वर्णन की बात कर रहे हैं इस लेसन में। आप ये देखिए जो पहला युवागु यहाँ पर दिया गया है उसे दीपनी युवागु या फिर शूलघनी युवागु कहते हैं। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है क्योंकि यहाँ पर पिपली पिपली मूल चव्या चित्रक और नागर दिया गया है। ये पंचकोल के द्रव्य हैं दोस्तों। अगर आपको याद हो तो दीपनीय महाकषाय में इनका वर्णन मिलता है, इसलिए ये दीपनीय युवागु हो जाती है क्योंकि ये पांचों द्रव्य पिपली पिपली मूल चव्या चित्रक नागर अग्निदीपन का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो अग्निदीपन का कार्य करने वाले द्रव्य होते हैं वो हॉट टेंसी के होते हैं यानी कि उष्ण वीरे होते हैं। और युवागु जो होती है स्निग्ध हो जाती है और अगर उष्ण और स्निग्ध को मिला दें तो वो साथ में वात शामक होने के कारण शूल को भी कम करती है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि पिपली पिपली मूल चव्या चित्रक नागर ये जो युवागु है वो दीपनीय और शूलघनी है दोस्तों। और यहाँ पर भी बई दिया गया है, आपको पहली लाइन को याद कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सेकंड नंबर की युवागु पाचनी और ग्रहणी पेया है। आपको ये याद कर लेना है कि जो पाचनी तथा ग्रहणी पेया है इसमें आपको एक निमोनिक्स दिया गया है यहाँ पर KBCD यानी कि कैथखाफल बिलव चांगेरी और डी से दाड़े। इनको मट्ठा डालकर अगर पकाया जाए तो जो युवागु बनती है वो पाचनी तथा ग्रहणी होती है यानी कि पाचन और ग्रहणी का काम करती है यानी कि बहते हुए मलों को रोकती है और संग्राही होती है। आपको ये याद कर लेना है दोस्तों क्योंकि ये कैथ का फल है और बिल्व का फल है और चंगेरी और दाड़िम है ये ग्राही होते हैं तो इसीलिए ये एक ग्राही पे है, आपको याद कर लेना चाहिए इसको। आगे देखिए दोस्तों के पित्त और श्लेष्मा अतिसार नाशक पेया के बारे में आगे वर्णन किया गया है। इसको आपको ऐसे याद कर लेना कि शालपर्णी बला बिल्बे प्रश्नपर्णीय च साधिता। जो ये युवागु है शालपर्णी बला बिलगिरी इनसे जो साधित हुई युवागु है वो पित्त और श्लेष्मा नामक जो अतिसार है उसका खात्मा करती है दोस्तों। क्योंकि जो बला होती है वो पित्त का शमन करती है और साथ ही साथ श्लेष्मा का भी शमन करती है और शालपर्णी बेल ये भी पित्त और श्लेष्मा से जो होने वाला अतिसार है उसको काफ़ी हद तक कम कर देती हैं दोस्तों। ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है दोस्तों। कई बार पूछ लेते हैं कि रक्त अतिसार नाशक जो पेय है उसमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं। आपको ये याद कर लेना है कि आधा जल मिले हुए बकरी के दूध में यानी कि पैसे अर्धोगे शिशागे। इसका मतलब है कि बकरी का जो दूध है वो रक्त अतिसार को रोकता है, इसीलिए जो डेंगू में हम बकरी का दूध यूज़ करते हैं दोस्तों। और उत्पल नागर और प्रश्नपर्णी इसको भी ये याद कर लेना है कि आधा जल मिले बकरी के दूध को अगर उत्पल नागर और प्रश्नपर्णी द्वारा निर्मित पेया के साथ लिया जाए तो वो रक्त अतिसार का विनाश करती है दोस्तों। ये भी एक पेया है, आपको याद कर लेना है कि रक्त अतिसार नाशक पेया का वर्णन है चर्क में, ना कि युवागु का। दोस्तों आगे पूछ लेते हैं कि आम अतिसार नाशक पेया में कौन कौन से द्रव्य हैं। आपको याद कर लेना है कि आम अतिसार है, आम मतलब चिपचिपा, चिपचिपा जो होता है उसे इंटेस्टाइन से रिमूव करने के लिए लेखनीय द्रव्य चाहिए जो गुण है अतीस में। और आम को पाचन करने का गुण है जो सौंठ में होता है, इसीलिए अतीस और सौंठ तथा अनार से जो खट्टी की हुई पेय है वो आम अतिसार को दूर करती है दोस्तों। दाड़िम के रस का यहाँ पर प्रयोग अग्नि दीपन करने के लिए
किया गया है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है कि अतीस और सौंठ से युक्त जो अनार के रस से खट्टी की हुई युवागु है वो आम अतिसार का नाश करती है। दोस्तों आगे पूछ लेते हैं मूत्रकश नाशक पेय कौन सी है, तो आपको याद कर लेना है ये कोखरू है, ये एक मूत्रल द्रव्य है। अगर गोखरू किसी के भी साथ मिला दिया जाए तो वो जो ड्रग होती है वो मूत्रवय संस्थान पर कार्य करने शुरू कर देती है। और छोटी कटेरी है, ये भी एक मूत्रल द्रव्य है, ये दोनों मूत्र क्रश का नाश करते हैं दोस्तों। तो याद कर लेना है कि गोखरू और कंटकारी से जो द्रव जो जवागु बनती है या जो पेया बनती है वो मूत्र क्रश का नाश करती है दोस्तों। और आगे दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी वो ऐसी युवागु है जो कृमिनाशक है, तो आपको ये याद कर लेना है कि कृमिनाशक युवागु वायवडिंग, पिपलीमूल, शिगरू और काली मिर्च। आपको सभी को पता है कि जो वायवडिंग है वो कृमियों का नाश करता है, पिपलीमूल भी दोस्तों कृमियों का नाश करता है, और सहजन भी और काली मिर्च भी। ये चारों द्रव्य आपको याद कर लेने हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कृमियों के ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं, इसीलिए ये कृमियों का नाश कर देते हैं दोस्तों। आपको ये याद कर लेना है बी पी एस के से आपको ये याद रह जाएगा। यहाँ पर है वायवडिंग, पिपलीमूल, शिगरू और काली मिर्च। आपको ये याद कर लेना है कि इसमें अगर मट्ठा डालकर युवागु बनाई जाए तो वो कृमियों का नाश कर देती है। दोस्तों आगे पूछ लेते हैं कि पिपासा नाश के युवागु में कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं। आपको अगर याद कर सकते हो तो ऐसे इस श्लोक को रट्टा मार लो, क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान इसको ही रट्टा मारा था। मृदविका सारिवा लाजा पिपली मधु नागरे, तो अगर आप हो सके तो इस श्लोक को रट्टा मार लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुनक्का है, मुनक्का एक स्निग्ध द्रव्य है। जो स्निग्ध द्रव्य होता है वो वात को यानी कि रुक्षता को यानी कि मुख जब सूखता है उसको दूर कर देता है। अनंतमूल एक शीतल द्रव्य है, वात और पित्त के कारण तृष्णा होती है, अनंतमूल इसमें काफ़ी फायदा करता है दोस्तों। धान का जो लावा है, मधु है और नागरमोथ है, ये मधुर द्रव्य होने के कारण से पिपासा का नाश कर देते हैं दोस्तों। और आगे विषनाश के युवागु का वर्णन भी इसी श्लोक में किया गया है। जो बाकुची यानी कि सोमराजी है उससे अगर साधित युवागु है तो वो विष का नाश कर देती है दोस्तों। इसको ध्यान से याद करना है कि यो सोमराजी यहाँ पर यूम करके मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोमराजी से द्वारा साधित की हुई युवागु है वो विष का नाश करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लगभग इस लेसन में से यही पूछा जाता है दोस्तों। आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल याद कर लेना है। और दोस्तों आगे पूछ लेते हैं कि ब्रह्मणी युवागु का वर्णन करो, यानी कि ऐसी युवागु जो आदमी को मोटा कर दे, तो दोस्तों ऐसी कौन सी युवागु हो सकती है। ये बिल्कुल आपको इससे हिंट मिल जाता है कि ये सूर के मास रस की युवागु ही ऐसी है जो आपको सूर की तरह पुष्ट कर सकती है। तो आपको सामान्य से सामान्य वृद्धि वाला श्लोक यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाता है दोस्तों के ब्रह्मणी युवागु में सूर के मास रस का प्रयोग होता है, क्योंकि सूर का मास रस ऐसा होता है जिससे हमें काफ़ी स्निग्धता मिल जाती है, तो जिसके कारण हम मोटे हो जाते हैं दोस्तों। आपको ये याद कर लेना है बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आगे पूछ लेते हैं कि कर्षणीय युवागु कौन सी हो सकती है, यानी कि बंदे को पतला करने वाली युवागु कौन सी हो सकती है। दोस्तों आपको ये इससे ही पता चल जाएगा कि भुने हुए गवेदुक दाने, जो गवेदुक दाने होते हैं ये हाईली रूक्ष होते हैं, बहुत ज़्यादा रूक्ष होते हैं। रूक्ष होने के कारण और ऊपर से इनमें मधु डाल दिया, मधु एक कफ नाशक द्रव्य है दोस्तों। अगर पहले ही एक रूक्ष द्रव्य है और उसके साथ मधु दे दिया जाए तो ये आदमी को मोटा तो नहीं करेगा, ये उल्टा सुखा देगा, तो इसलिए ये कर्षणीय युवागु हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें गवेदुक धान्य और शहद मिलाया है और ये दोनों द्रव्य रूक्ष द्रव्य हैं। इसीलिए आपको ये याद कर लेना है कि गवेदुक धान्य और मधु अगर मिलाया जाएगा तो जो युवागु बनेगी वो कर्षणीय युवागु बनेगी दोस्तों। दोस्तों आगे देख लीजिए, यहाँ पर स्नेहनी युवागु का वर्णन किया गया है। दोस्तों स्नेहनी युवागु कैसे बन सकती है, घी युक्त तिलों से बनी हुई युवागु को स्नेहनी युवागु कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि घी एक अच्छा स्नेह है, सबसे उत्तम स्नेह माना जाता है, और तिलों में भी अपना एक स्नेह होता है, इसलिए सबसे बेस्ट जो स्नेहनी युवागु बनेगी वो घी और तिलों से बनी होगी, क्योंकि तिलों में भी तेल होता है, तेल भी स्नेह का एक अच्छा स्नेह है दोस्तों। आपने चार प्रकार के स्नेह पढ़े ही हैं, तो आपको ये याद कर लेना है कि घी और
अधिक मात्रा में तिलों के तेल से बनी हुई यवागु सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवनानी बता, और घी युक्त जो तिलों से बनी हुई यवागु है साथ में जिसमें नमक डाला है वो शीघ्र ही स्नेहन कर देती है बॉडी का, तो इसलिए इसे स्नेहनी यवागु कहा जाता है दोस्तों। और आपको याद कर लेना है कि रूक्ष्णी यवागु कौन सी होती है दोस्तों। अगर हम आमलों का यूज़ जो होता है उसका उसको ना हाथों पर मल लें तो वो काफ़ी रूक्षता कर देता है। आप कभी आंवले के कवाद के साथ अपने बाल धो के देखिए या फिर अपने हाथ धो के देखिए तो वो काफ़ी रूक्षता कर देता है। और कुश की जड़ भी रूक्ष होती है, और सांवा सांवा के जो चावल होते हैं वो भी काफ़ी रूक्ष होते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है कि कुश आमल निरू है श्याम का नाम, ये जो युवागु है वो रूक्षणी युवागु है, यानी कि शरीर का रूक्षण करती है दोस्तों। और आगे जो युवागु बताई गई है यहाँ पर दोस्तों वो है दशमूल से बनी हुई युवागु। जो दशमूल से बनी हुई युवागु है दोस्तों ये कास हिक्का और श्वास पर काम कर देती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दशमूल कटुतरायन क्वाथ है वो कास श्वास और हिक्का के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए आपको याद कर लेना है कि दशमूल से जो प्रिपेयर की गई युवागु है वो कास हिक्का और श्वास में काफ़ी अच्छे से काम करती है दोस्तों। आपको ये बिल्कुल रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा चुका है दोस्तों। हरेक युवागु इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे हरेक फ्रेंड जरूरी होता है वैसे ही हरेक युवागु भी ज़रूरी है आपको दोस्तों। आगे पूछ लेते हैं कि पक्वाशयगत जो बात है उसको नाश करने के लिए युवागु कौन सी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो पक्वाशय में अगर बात जमा हुई है तो उसमें यमक, यमक कहते हैं दो स्नेहों को अगर बराबर मात्रा में मिला लें तो उसे यमक कहा जाता है। संभाग घी और तेल को प्लस अगर उसमें मदिरा भी डाल दी तो ये जो युवागु बन जाता है ये पक्वाशयगत बात का नाशक हो जाता है, एक उत्तम बात नाशक हो जाता है। तो ये आपको याद कर लेना कि यमक घी और तेल प्लस मदिरा को मिलाकर अगर हम पियेंगे तो पक्वाशय में जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी, और उससे होने वाली शूल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ये इट वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स दोस्तों, आपको ये याद कर लेना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेचनी युवागु को आगे पूछ लेते हैं कि रेचनी युवागु में कौन कौन से द्रव्य होते हैं दोस्तों। इसमें जो बताया गया कि शाक के मासे तिल माशय सिद्धा वर्चो निरसस्यति, दोस्तों जो शाक होता है वो हाईली मलकारक होता है, इसीलिए इसे रेचनी युवागु कहा जाता है, क्योंकि शाक होते हैं ये पत्ते तो नहीं है लेकिन मल का निर्माण अच्छे से कर देते हैं। शाक का मतलब यहाँ पर बथुआ है, बथुआ जिसका हम साग सरसों का साग बनाने में प्रयोग करते हैं। शाक हो गया, मांस हो गया, तिल हो गया, और उड़द की दाल द्वारा जो निर्मित है युवागु ये हाईली मलकारक होती है दोस्तों। तो ये आपको याद कर लेना है, ये मांस वो मांस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये मांस दाल वाली मांस को मांस कहा गया है। तो आपको ये याद कर लेना है क्योंकि वो भी हाईली मलकार को होती है दोस्तों। आगे पूछ लेते हैं कि संग्राहिकी युवागु कौन सी होती है, यानी कि जो बहते हुए पदार्थों को रोकने वाली युवागु, यानी कि अगर किसी को लूज मोशन है तो उसको संग्रहण करने वाली मल को रोकने वाली युवागु कौन सी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद कर लेना कि आम की गुठली, नहीं पहले ये याद कर लो, जामुन की गुठली, आम की गुठली, बेल की गिरी, दोस्तों ये तीनों द्रव्य हैं जो संग्राहिकी द्रव्य हैं। इनका प्रयोग लिकोरिया में यूज़ होने वाले पुष्यनुचूर्ण में भी किया गया है, क्योंकि ये बहते हुए जो द्रव्य हैं, जब बहती हुई धातुएं हैं उनको रोकता है दोस्तों। तो आपको इसको रट्टा मार लेना है दोस्तों कि जामुन की गुठली, आम की गुठली, बेल की गिरी ये हाईली ग्रहणीय द्रव्य हैं। तो आगे दी गई है भेदनी युवागु दोस्तों। जो भेदनी युवागु है उसमें चार द्रव्य मेनली मिलाए गए हैं, इसका एक साइंटिफिक वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि जो जौखार है ये एक क्षारीय पदार्थ है, यानी कि ये मलों को तोड़ देता है, और अगर चित्रक की बात करें तो ये मलों को पिघला देता है, पिघला यानी कि हॉट पोटेंसी होने के कारण ये मल अगर जुड़े हुए हैं सख्त हैं तो उसको पिघला देता है। हींग एक ऐसा द्रव्य है जो वात का इंटेस्टाइन में नाश करता है, और अमलदेतस है जो एक मृदु विरेचक है दोस्तों। तो दोस्तों इनकी कंपोजिशन ऐसी बन जाती है कि ये मल का भेदन कर देती हैं दोस्तों। तो आपको ये याद कर लेना है कि जवखार, चित्रक, हिंग और अमलदेतस से जो युवागु बनता है वो मल का भेदन करता है। आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है दोस्तों कि मल भेदनी युवागु है, जो उनमें कौन कौन से द्रव्य हैं, जवखार, चित्रक, हिंग और अमलदेतस। आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में मैंने बता दिया है।